ए दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग फिट हो गए। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल साइकिल फिटनेस में। तो गाइज, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं वो लाया हूं बिगनर से रिलेटेड। कुछ बिगनर्स ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता आप भाइयों को कि जिम ज्वाइन करना है, बट ट्रेनर कुछ नहीं बता रहे और ये नहीं पता कि कौन सी एक्सरसाइज हमें परफॉर्म करनी चाहिए फर्स्ट वीक में। तो आज मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूं जिसे आप जिम ज्वाइन करें तो फॉलो करें पहले हफ्ते और देखिए कितने बेहतरीन आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपने उस बिगिनर दोस्त को भी वीडियो सेंड करें। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, पहली एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करेंगे वो है पुशअप्स। मैं इस वीडियो के अंदर वार्म अप आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ एक्सरसाइजेस, तो ध्यान से सुनिएगा। तो पहली एक्सरसाइज है पुशअप्स। इसको मैं एक्सरसाइज के लिए इसीलिए रख रहा हूँ यहाँ पे ताकि पुशअप्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कआउट के तौर पर, आपके शोल्डर, ट्राइसेप्स और चेस्ट के पूरे मसल को अच्छे से वार्म कर देगा और पंप भी कर देगा। तो चलिए परफॉर्म करते हैं पुशअप्स, जैसे मेरा स्टूडेंट अभी करके दिखाएगा आपको कैसे परफॉर्म करना है। तो आपका बेस एकदम सीधा होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको पुशअप्स परफॉर्म करने हैं। ये पहली एक्सरसाइज है। जब भी आप इसे परफॉर्म करेंगे आपके ट्राइसेप्स पे, शोल्डर पे और चेस्ट पे इक्वल लोड आता है, जिसकी वजह से आपके तीनों मसल अच्छे वार्म होते हैं और पंप होते हैं। अब ये मैंने इसीलिए आपको बोला क्योंकि ये पहला हफ्ता जिसमें हम मिक्स वर्कआउट परफॉर्म करते हैं वो बहुत जरूरी होता है, ताकि आप ज्यादा लोड ना डालें बट अपने सारे मसल्स को वार्म कर लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट वीक आप इंडिविजुअल एक्सरसाइज परफॉर्म करें तो आपको इंजरीज के चांसेस ना हो। अब हम सेकेंड एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे चिनअप्स। चिनअप्स भी पुशअप्स की तरह इंपॉर्टेंट है, बट आप उसे कैसे परफॉर्म करोगे? आप में से कुछ लोग उसे इजिली परफॉर्म कर सकते हैं, बट जिन्होंने अभी भी जिम ज्वाइन करा है इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती तो चिनअप्स परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है। उनके लिए क्या सॉल्यूशन है? कुछ लोगों के जिम में चिनअप्स की मशीन होती है जिसमें सपोर्ट मिल जाता है, आपको आप इजिली परफॉर्म कर सकते हैं। अब जिन लोगों के जिम में वो मशीन नहीं है, आप लैट पुल डाउन परफॉर्म कर सकते हैं। इसको लाइट वेट पे रखिएगा, कोई आपको ज्यादा हैवी वेट नहीं उठाना, क्योंकि आपको सिर्फ नहीं लैट मसल्स को स्ट्रेच करना है, तो इसका आप ध्यान देंगे। इसकी पोजीशन रहती है आपको बिल्कुल आगे होके बैठना है, अपर बॉडी को पीछे रखना है और इसको अपने चिन तक लेके आना है स्टार्ट, फिर उसको स्लो छोड़ना है। सारा फोकस आपके लैट मसल्स पे रहेगा कि इसको हम कैसे ओपन करते हैं। इसको इस हिसाब से परफॉर्म कीजिए और देखिए कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है, इसको जरूर परफॉर्म करिएगा। दोस्तों, तीसरी एक्सरसाइज हम परफॉर्म करने वाले हमारे शोल्डर के लिए, शोल्डर मसल के लिए, जो होने वाली हमारी साइड रेजेस। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, साइड रेजेस करने का बेनिफिट ये है कि उससे आपका पूरा डेल्टॉइड मसल वार्म हो जाएगा और जब आप उसको हार्डकोर ट्रेन करेंगे नेक्स्ट वीक तो अच्छे से रिस्पांस देगा। तो कैसे साइड रेजेस परफॉर्म करने मैं आपको बताता हूं। दोनों हाथ आपने अपने साइड में रखने लेग्स के, इसे सीधा आपने ऊपर उठाना है, हल्का सा होल्ड एंड डाउन। इसे करते टाइम एक चीज का ध्यान रखिएगा, परफॉर्म करो इसको, कि ये बिल्कुल एंगल इसका स्ट्रेट रहे और फिर नीचे आए। ठीक है, इसे कहते हैं साइड रेजेस, इसको आपने परफॉर्म करना है। अब मैं लास्ट में बता दूंगा आपको कितने सेट और कितने रेपिटेशन आपने पूरी एक्सरसाइजेस के रखने हैं। अब आती है आपके बाइसेप्स के बारे। अब मैं आपको बताऊं बाइसेप्स में आपको कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। सबसे पहले बताऊं, आप लोग जब भी जिम जाते हो आप बाइसेप्स के वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, आप सबसे पहले डंबल कर्ल्स या बारबेल कर्ल करते हो। गाइस, इससे आपके ये जो बाइसेप्स का पोर्शन है यहाँ पे बहुत पेन रहती है, आपके हाथ ऐसे हो जाएंगे, सीधे नहीं होंगे, फिर आप कहोगे मुझे जिम नहीं जाना है, आपका गैप आ जाएगा। तो उसका सब्स्टिट्यूट हमने एड ऑन करवाया इस वर्कआउट के अंदर, इस वर्कआउट शेड्यूल के अंदर। तो हम रख रहे हैं यहाँ पे हैमर कर्ल्स। ठीक है, अब हैमर कर्ल्स कैसे परफॉर्म करनी है, देखिए आर्म्स आपके बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, परफॉर्म करना ऊपर स्ट्रेट लेके आना है, फिर डाउन, फिर ऊपर लेके जाओ। आपने ध्यान रखना है बस आपके बाइसेप्स को और फोर आर्म्स को। अगर हम साइड रोटेट करके दिखाते हैं तो आपके बाइसेप्स और फोर आर्म्स को हमने सिर्फ ज्वाइन करना है और फिर इसे नीचे लेके जाएंगे, एंगल इसका स्ट्रेट रहेगा, अगेन अप अगेन डाउन, बॉडी पोस्चर एकदम सीधा रहना चाहिए। इस तरह से आपने इसे परफॉर्म करना है ताकि आपके बाइसेप्स पे अच्छा रिजल्ट आए, अच्छी तरह पंप हो और इंजरी ना हो। एक्सरसाइज मैं ऐड करवा रहा हूँ इस शेड्यूल में लेग्स की। तो हम फ्री वेट एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे ताकि हमारे लेग का मसल भी सोर ना हो, ना थके, ना इंजरी हो, और नेक्स्ट वीक जब आप उसको हार्डकोर ट्रेनिंग परफॉर्म करेंगे तो वो अच्छा आपको रिस्पॉन्स दे। तो हम परफॉर्म करेंगे स्क्वाट्स, फ्री स्क्वाट्स करेंगे, कोई वेट के साथ स्क्वाट्स नहीं करनी इसकी। किस हिसाब से आपने परफॉर्म करना है, अगर आगे हैं तो मैं दिखाऊं कि दोनों जो पैर हैं आपके शोल्डर के पैरेलल होने चाहिए, इक्वल डिस्टेंस, हल्के से टोस बार की तरफ। अब चलिए इसे परफॉर्म करते हैं। इसे परफॉर्म करते टाइम आपने बैक एकदम सीधी रखनी है, जब ऊपर आएंगे तो बिल्कुल सीधा ऊपर, और जब नीचे जाएंगे तो ग्लूट्स बार, जैसे आप चेयर पर बैठ रहे हैं। सारा फोकस आपके क्वाड्रिसेप मसल्स के ऊपर होना चाहिए।
आपको इसी तरीके से इसको परफॉर्म करना है ताकि आपके लेग्स पे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो सके। दोस्तों बारी है ट्राइसेप्स की। सबसे पहले मैं बताऊं, ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज मैंने वो एड ऑन करवाई है इस वीडियो के अंदर जिसके अंदर आपकी पोजीशन गलत नहीं होगी। तो आइए मैं बताता हूँ एक्सरसाइज कौन सी है, वो है पुली पुश डाउन। अब इस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है, सबसे पहले आप आगे बिल्कुल सीधा खड़े हो, हल्का सा आगे होना, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट सामने देखना है। आपकी दोनों आर्म्स अंदर की तरफ होनी चाहिए लॉक। आपने इसे परफॉर्म करेंगे तो आपने बाइसेप्स और फोरआर्म्स को ज्वाइन करना है ऊपर लाके, फिर नीचे लेके जाएंगे और सारा टेंशन आपके यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए। जो होल्ड करो ऊपर लाके, फिर नीचे पुश करो, हल्का सा होल्ड नीचे पुश। इस तरीके से आपने इसे परफॉर्म करना है और देखिए कि पूरा और पूरा जो टेंशन क्रिएट होगी वो होगी आपके ट्राइसेप्स मसल के ऊपर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो आपके लिए, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसको अपने जिम में जरूर परफॉर्म कीजिए। जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि बिगनर्स क्या वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं जिम जाके, इसे जरूर परफॉर्म कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो थी आप सबके लिए, होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। तो इस वर्कआउट को जरूर फॉलो करें जो बिगनर भाई है मेरे, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जो बिगनर्स हैं ताकि उनको मसल इंजरी ना हो। और जब आप नेक्स्ट वीक से इसे परफॉर्म करने के बाद से, जब आप नेक्स्ट वीक हार्डकोर ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर अपना शेड्यूल वर्कआउट का स्टार्ट करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके मसल ग्रोथ में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके बताएं आपको वर्कआउट कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।